हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई अब बी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या लेसन 44, जहां पर हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर इसकी पहचान क्या होती है। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने लिख के रखा है क्या से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, या फिर तक रहा होगा, तक रही होगी, तक रहे होंगे। और ये होती है हमारे क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान, जहाँ पर ये से और तक दोनों ही शब्द समय के साथ में जुड़कर आने वाला है। समय यानी क्या पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये आप लेसन 42 में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर माइंड कीजिएगा, प्रीवियस लेसन में हमने ये देखा कि पॉइंट ऑफ टाइम होने पर, से लिख के आने पर, उसके अंग्रेजी हम लोग क्या बनाते थे, सिंस बनाते थे, यानी सिंस का यूज़ हम लोग करते थे। लेकिन आपको माइंड ये करना है कि सिंस का यूज़ हम प्रेजेंट और पास्ट में तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हो जाएगी तो सिंस की जगह हमें फ्रॉम का यूज़ करना होगा, जहाँ पर इस फ्रॉम का मतलब किससे होगा, से होगा। तो याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम होने पर सिंस नहीं, हमें किसका यूज़ करना होगा, फ्रॉम का यूज़ करना होगा। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ अगर तक लिख के आ जाए तो आपको क्या लगाना होगा, टिल। और बात अगर हमने पीरियड ऑफ टाइम की है तो उसमें आपको चाहे से मिल रहा हो और चाहे तक लिख के आ रहा हो, दोनों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें फॉर का ही यूज़ करना होगा। तो फिर से माइंड कीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या कि इस कॉलम में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी। तो देखिए ध्यान से कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये दोनों हमारी क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब। तो ही, सी, इट, किसी का नाम या फिर एक से ज़्यादा नाम, यू और दे आने पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, विल हैव बीन। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता, आई और वी, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या रखना होगा, शैल हैव बीन, यानी ही विल हैव बीन, सी विल हैव बीन, बट आई शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। तो आई और वी के साथ आपको शैल हैव बीन और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और काम करेगा कि अगर हम बात ग्रामर की ना करें तो सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्क्स पाने की बात कर रहे हैं, यानी आप एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज़ करना होगा। अब फ्रेंड्स, इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इनमें स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे और इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, कैसे बोले और बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेसन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर लिखे हैं, जिनका यूज हमें प्रीवियस लेसन की तरह सेंटेंस को पहचान कर करना होगा। हमें ये देखना होगा कि आखिर ये सेंटेंस हमारे कौन से स्ट्रक्चर से बनने वाला है। अब आप ध्यान से देखिए, तो मैंने आपके सामने लिखा है क्या, वह सुबह से लड़ रहा होगा, और ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस है जो कि स्ट्रक्चर नंबर 1 के यूज से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, जो कि हमारा क्या हो गया, ही। इसके ठीक बाद हमें विल हैव बीन रखना है, क्योंकि जो विल हैव बीन है यही हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। माइंड कीजिएगा, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। लेकिन अगर स्पीकिंग की बात हो तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सबके साथ विल हैव बीन लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने ही के ठीक बाद क्या लगा दिया, विल हैव बीन। अब हमें रखनी है क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि हमारी क्या थी, फाइट। तो फाइट को हमें यहाँ पर क्या, फर्स्ट फॉर्म नहीं, फाइट के साथ हमें आई एन जी फॉर्म को जोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, फाइटिंग, एफ आई जी एच टी आई एन जी। दूसरी बात माइंड ये कीजिएगा कि अब हमें यहाँ पर सिंस का नहीं, किसका यूज़ करना होगा, फ्रॉम का। सुबह क्या होती है हमारी, पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन बात अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस की हो, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हो, तो हम यहाँ पर सुबह से की अंग्रेजी बनाने के लिए क्या रखने वाले हैं, फ्रॉम। तो अंग्रेजी हमारी क्या बनेगी, फ्रॉम मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि ही विल हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से लड़ रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता कि मैं आपसे कहता कि वह सुबह से नहीं लड़ रहा होगा, यानी हमारा सेंटेंस क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो करना क्या है आपको, विल और हैव दोनों के बीच में क्या ऐड कर देना है, नॉट को ऐड कर देना है। आप चाहो तो विल और नॉट दोनों को शॉर्ट करके वोंट भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो अगर आपने कहा ही विल नॉट हैव बीन तो भी ठीक है, और अगर आपने कहा कि ही वोंट हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो हिंदी क्या निकलेगी कि वह सुबह से नहीं लड़ रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस में मैं क्या को पहले जोड़ दूं और मैं आपसे बोलूं कि क्या वह सुबह से नहीं लड़ रहा होगा, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन माइंड कीजिए कि ये सेंटेंस हमारा कहाँ से बनने वाला है, फोर्थ वन से, क्योंकि इसकी शुरुआत क्या से हुई है और इसमें बीच में नहीं भी लिख किया गया। अब इसको बनाने के दो तरीके, एक तरीका ये कि आप सब्जेक्ट के ठीक पहले क्या जोड़ दीजिए, विल को ऐड कर दीजिए, यानी कुछ इस प्रकार से बोलिए कि विल ही नॉट हैव बीन
फाइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं लड़ रहा होगा। और दूसरा तरीका ये कि विल और नॉट दोनों को शॉर्ट करके बोल दीजिए कि वोंट ही हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं लड़ रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस में मैं नहीं को मिटा दूं और मैं आपसे बोलूं कि क्या वह सुबह से लड़ रहा होगा, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि विल ही हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या वह सुबह से लड़ रहा होगा। और अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह सुबह से क्यों लड़ रहा होगा, तो माइंड कीजिए कि हमारे सेंटेंस में क्या लिख के आ गया आप, क्यों। और ये जो क्यों लिख के आ गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। और इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड तो रखना ही होगा। तो क्यों को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, वाई। कुछ नहीं करना है आपको, इस विल के पहले आप वाई को जोड़ दीजिए तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो माइंड कीजिए कि सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, वाई। तो ये वाई को हमने ऐड कर दिया, फिर हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, विल। तो विल को भी ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ पर ही लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि वाई विल ही हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों लड़ रहा होगा। और अगर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस में मैं नॉट को यहाँ पर ऐड कर दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि वाई विल ही नॉट हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो हिंदी क्या निकलेगी कि वह सुबह से क्यों नहीं लड़ रहा होगा। आप चाहो तो इस विल और नॉट को शॉर्ट करके भी बोल सकते हो, लेकिन बात ग्रामर की होगी तो नॉट को आपको सब्जेक्ट के बाद ही रखना होगा। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पर हम बात तक की कर रहे हैं। सोचिए अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह सुबह तक लड़ता रहा होगा, ऐसा कुछ सेंटेंस आपके पास होता कि वह सुबह तक लड़ता रहा होगा, तो ये सेंटेंस देखिए और माइंड कीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है हमारा, सुबह, और सुबह के साथ क्या लिख के आ गया, तक लिख के आ गया। तो यहाँ पर अंग्रेजी क्या बनेगी, टिल मॉर्निंग। और हमें क्या बोलना पड़ेगा कि ही विल हैव बीन फाइटिंग। सेंटेंस बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से कि ही विल हैव बीन फाइटिंग, फ्रॉम की जगह हमें यहाँ पर क्या ऐड कर देना है, टिल ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि ही विल हैव बीन फाइटिंग टिल मॉर्निंग। फ्रेंड्स अब अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो आपको फ्रॉम, टिल और फॉर का यूज़ कहाँ पर करना है, इन सारी चीज़ों को माइंड में रखकर ढेर सारे सेंटेंस ही बोलने हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता कि सी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग, तो हिंदी क्या निकलेगी कि वह सुबह से गाना गा रही होगी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर टू आवर्स, तो हिंदी क्या निकलेगी कि वह दो घंटों से गाना गा रही होगी। तो ढेर सारे सेंटेंस बोल दीजिए, आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके काम बनने वाला है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।